जी, पुलिस की तरफ से कहा गया है कि जो आंदोलनकारी हैं उनके वीजा और पासपोर्ट्स कैंसिल करने की बात है, तो कितना वाजिब मानते हैं कि किसी आंदोलनकारी का इस तरह से उसके ऊपर? मेरी नॉलेज में नहीं है कि इस तरह की कोई डायरेक्शन अगर दी गई है, क्योंकि वीज़ा कैंसिलेशन तो शायद MEA के हाथ में भी नहीं है, वो तो कंसर्न्ड एम्बेसी से करना है। और जहाँ पासपोर्ट की बात है, अगर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स कोई कदम उठाती है क्योंकि वो इशूइंग अथॉरिटी है, वो उसका संज्ञान लेंगे। कुछ फोटोज़ वायरल हो रही है जो न्यूज 18 भी चला रहा है सर, कि ये फोटो इनकी जो आंदोलनकारी इनकी पहचान कर ली है। कोई लॉ एंड ऑर्डर को खराब करता है तो सरकार उसके विरुद्ध एक्शन लेती है, इतिहास में भी लिए हैं। और जिस तरह से पीसफुल प्रोटेस्ट की बात करी गई और उसके अंदर कोई हिंसक घटना हुई है तो पुलिस अपनी कार्रवाई करेगी। लोकसभा चुनाव को लेकर सर किस प्रकार की तैयारी है? JJP गठबंधन 3 तारीख को करनाल के अंदर जननायक जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक है। डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी जो भी आदेश देंगे, पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता उसके ऊपर काम भी करेगा। और मैं मानता हूँ कि हमारी 6 लोकसभा हमने कवर करी है और जल्द 7वीं लोकसभा का जो हमारा नव संकल्प रैली का शेड्यूल जो है वो जारी करें। आपकी बार JJP दावा करने की तैयारी में हम तो 10 की तैयारी कर रहे हैं, और तो अलायंस के अंदर कोई बैठ के फिर निष्कर्ष निकलेगा तो उसके ऊपर फैसला लिया जाए। सर, इंडिया गठबंधन ने सुशील गुप्ता को मैदान में उतारा, आम आदमी पार्टी से मैं शुभकामनाएं देता हूँ उनको, पर मैं मानता हूँ जो कांग्रेस अपने आप को कहती थी कि हम सबसे मजबूत है, और मैंने तो उनके स्टेट लीडरशिप के बयान देखे कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है, आज वो आम आदमी पार्टी को साथ लेके चल रही है, दिखाता है कि कांग्रेस को भी बैसाखियों की ज़रूरत पड़ी। सर, सुशील गुप्ता का ये भी कहना है कि भाजपा और जजपा का टिकट सीटों को लेकर जो है वो कहीं ना कहीं आपसी मनमुटाव चला, जिसके कारण अब तक जो है लिस्ट जारी नहीं कर पाए। मुझे नहीं लगता कि किसी भी प्रदेश के अंदर NDA में अभी भी कोई सीट शेयरिंग पर फाइनलाइजेशन हुई है, और ना हमें आम आदमी पार्टी से प्रमाण लेने की ज़रूरत कि हमारा क्या अलायंस रहेगा, कैसे रहेगा। तो NDA के अंदर चर्चा के बाद निष्कर्ष निकलेगा, और जैसे निष्कर्ष निकलेगा पब्लिक डोमेन में आपको भी पता चल जाएगा। मगर इस तरह के नेताओं को जनता ने बेबाली देखा है और इसका जवाब भी वोट की चोट से लोग दे। सर, नफर सिंह राठी पर इस प्रकार से गोलियां बरसाई गई और लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के उन्होंने एक वीडियो भी जारी किया गया विपक्ष द्वारा कि सुरक्षा मांगी गई थी, लेकिन सरकार जो है देखिए, मैं कल उनके घर जाके आया था, कल सुबह भी उनको कोई थ्रेट कॉल्स आई थी। झज्जर पुलिस की एफिशिएंसी है कि राजस्थान के अंदर जाकर उनकी 2 टीमों ने रेड मारी और जो व्यक्ति था जिसने इस तरह की कॉल करी थी उसको देर रात अरेस्ट भी किया गया। जो लोग उस घटना में उस दिन इन्वॉल्व थे, हमारी STF की टीम भी लगी हुई है, झज्जर पुलिस की टीम भी लगी हुई है, और जल्द उनको राउंड अप किया जाए। इसके साथ आंदोलन को किस तरह से देखते हैं दुष्यंत चौटाला? मैं तो एक चीज़ कहता हूँ कि पंजाब के हमारे भाइयों को हरियाणा से समझ कर कि कैसे कृषि व्यवस्था को बेहतर बचाया जाए, पंजाब सरकार पे दबाव डालना चाहिए। आज 2 फसलें पंजाब सरकार MSP पर खरीदती है और हरियाणा 14 खरीदती है। 18 फसलों पर हम भावांतर भरपाई योजना के माध्यम से आर्थिक मदद किसान को करते हैं। मुझे लगता है अगर पंजाब सरकार भी यही मॉडल अपनाए तो बहुत बेहतर कृषि व्यवस्था पंजाब में। दुष्यंत जी, बात तो MSP की हो रही है, भावांतर की नहीं। वो कह रहे हैं कि प्रोमिस किया था 2 साल बाद भी उनको MSP। देखिए, जो केंद्र सरकार का मामला है वो केंद्र मंत्रियों की कमेटी निरंतर उसको देख रही है। जहाँ प्रदेश की व्यवस्था बनाने की बात है, हम भी केंद्र से सपोर्ट लेते हैं, गेहूँ में, जीरी में 25%, दालों में 25% और फसलों पर, और उसके बाद स्टेट अपना बेयर करती है 75% कई फसलों पर। मगर 12 फसलें हमने ली है और ये नंबर 14 फसलों तक हम ले गए और इसको और आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, हम रुक नहीं रहे, और यही है जो किसान को और समृद्ध बना रहे हैं। SYL का पानी मिल नहीं रहा है, लेकिन हरियाणा राजस्थान को पानी देने की बात। देखिए, जो अग्रीमेंट हुआ है वो अथनीकुंड बैराज में 21-22 दिन जो मानसून के में एक्सेस वाटर रहता है उसको राजस्थान ले जाना चाहती है, और वो अपने खर्चे पे शायद 20-22 हज़ार करोड़ की लागत से ले जाने का काम करेगी। उसमें हरियाणा का शेयर तो मेरे ख्याल से कहीं भी इफेक्ट नहीं हो रहा। और SYL का विषय क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में है, जैसे ही निर्णय आएगा हरियाणा सरकार उस पर भी उचित कदम उठाएगी। दुष्यंत जी, NL और बसपा गठबंधन की बातें आ रही हैं तो कहाँ देखते हैं? मुझे
तो बसपा सुप्रीमो का ये बयान याद है, हम किसी के साथ नहीं इस बार अकेले लड़ेंगे, और अकाली दल से भी शायद बसपा ने अलायंस उसी बात पे तोड़ा है। दुष्यंत जी, एक तरफ तो राजस्थान को पानी देने की बात हो रही है, लेकिन आपको लड़ा दे दुष्यंत जी, एक तरफ तो राजस्थान को पानी देने की बात हो रही है, दूसरी तरफ है जो आदमपुर के जो साथ लगते हरियाणा के जो गांव है उनको वो राजस्थान का पानी लेके। यमुना का जो पानी है वो मानसून सीजन पे जैसे ही 24,000 क्यूसिक से ज़्यादा हो जाता है वो यमुना की धार के अंदर समुद्र में जाके मिलता है। राजस्थान सरकार उस हेड की रेजिंग कर कर उसमें से व्यवस्था बनाने का काम कर रही है, उससे हरियाणा के क्षेत्र के अंदर तो ये लाभ होगा क्योंकि हम 18,000 क्यूसिक तक हरियाणा उसमें से पानी लेता है। जब कैपेसिटी बढ़ेगी तो हम भी उस कैपेसिटी के साथ उसी पाइपलाइन के साथ एक हरियाणा की पाइपलाइन डालकर जो हमारे ये जो क्षेत्र है दादरी का, हिसार का और भिवानी का, इसके अंदर भी पानी की सप्लाई को बेहतर कर पाएंगे। तो मुझे लगता है कि इससे हमारे उस क्षेत्र को भी जो डेजर्टेड एरिया मानते हैं, एरिड रीजन है, उसको हम पानी की सप्लाई देंगे। थैंक यू सर, धन्यवाद सर, बहुत बहुत।